आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस के कुछ नेता दिल्ली में बीजेपी को ज्यादा सीटें नहीं मिलने से भले ही जश्न की मुद्रा में हो, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी पर अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। बीते दो विधानसभा चुनाव में पार्टी ने खाता तक नहीं खोला है। अब पार्टी के निर्णयों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी को नई सोच की जरूरत बताने के साथ ही आज देश के बदलने की बात भी कही है। सिंधिया ने कहा कि पार्टी को कार्यप्रणाली बदलने की जरूरत है। इसके पूर्व पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी समिष्ठा मुखर्जी भी पार्टी की हार पर आलाकमान सहित राज्य इकाई के नेताओं पर बड़े सवाल खड़े कर चुकी हैं। मुखर्जी ने आलाकमान द्वारा निर्णय लेने में देरी करने और राज्य इकाई में एकता की कमी के गंभीर आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, पार्टी का हिस्सा होने की वजह से उन्होंने हार के लिए खुद भी जिम्मेदारी लेने की बात कही थी। दिल्ली के पिछले दो विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिहाज से बेहद बुरे साबित हुए हैं। साल 2015 और हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सीट का खाता तक नहीं खोल पाई। पार्टी की सूबे में इतनी बुरी हालत कभी नहीं रही है। इस बार तो कई वरिष्ठ नेताओं ने टिकट लेने तक से इनकार कर दिया था। ऐसे में पार्टी की खस्ता हालत के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। मैं केवल अपनी पार्टी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत ही निराशाजनक है और नए सोच, नई विचारधारा और नई कार्यप्रणाली की सख्त जरूरत है। भोपाल रेलवे स्टेशन में उस वक्त भगदड़ मच गई जब जजर फुट ओवर ब्रिज एक का एक हिस्सा नीचे गिर गया। बताया जा रहा है कि सीढ़ियां टूटने से ब्रिज गिर गया, जिसमें करीब 9 लोग घायल हो गए। घटना में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ब्रिज के जर्जर होने की शिकायत कई लोगों ने अधिकारियों से की थी, लेकिन इसे सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया गया और अब यह हादसा हो गया। जिस प्लेटफार्म पर ब्रिज गिरा है वहां से ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। भोपाल रेलवे अधिकारी ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर घटना के तुरंत बाद SDRF की टीम बुला ली गई थी। यहाँ DRM सहित RPF, GRP के अधिकारी मौजूद हैं। घायलों को पहले रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए चिरायू हॉस्पिटल भेज दिया गया है। 9 लोग बताए गए घायल हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स दोनों हमारे रेलवे हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स को ले गए और कुछ सिविल हॉस्पिटल में ले गए। हादसे को लेकर जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। घायलों के इलाज की व्यवस्था की गई है। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार रेल मंत्रालय को पत्र लिखकर सभी रेलवे ब्रिजों की जाँच कराने की मांग करेगी। निश्चित तौर पर ये एक दुखद घटना है की रेलवे प्लेटफॉर्म पे अगर ब्रिज गिरेगा जिस पे लोग सुबह शाम वहाँ निकलते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी पूरी जांच होना चाहिए और मैं समझता हूँ रेलवे विभाग भी इसकी जांच कराए और ये बात भोपाल कलेक्टर और कमिश्नर से बात करेंगे कि प्रशासनिक तौर पे भी इसकी जांच हो और जितने लोग भी इसमें घायल हुए हैं उन सबको पूरी मेडिकल हेल्प मिले। ये प्रशासन पूरी उसकी पहल करेगा और पहल कर रहा है। मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने महंगाई को लेकर बयान देते हुए कहा कि महंगाई की दर 7.5% हो चुकी है और जब इस तरह की महंगाई आती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। औद्योगिक उत्पाद में 0.5% की गिरावट आ गई है और बढ़ती रोजगारी का यही कारण है। मोदी सरकार की महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो नीति है वो बिल्कुल फेल है। शर्मा ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को मानदेय में 8% का लाभ देने की सरकार ने योजना बनाई है। अवैध कॉलोनियों को अवैध करने का भी प्रस्ताव आया है। अगर 10% भी मकान बने मिलेंगे तो उन कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। शर्मा ने अतिथि विद्वानों को लेकर कहा कि अतिथि विद्वानों की हर सप्ताह काउंसलिंग कराई जाएगी, जरूरत पड़ी तो 500 नए पद लाए जाएंगे। गैस सिलेंडर के रेट 144 रुपये महंगा कर दिए। महंगाई की दर उच्चतम 7.59% पर है और औद्योगिक उत्पादन में 0.3% की गिरावट आ गई है। जब इसमें गिरावट आती है तो रोजगार जाते हैं, जब महंगाई बढ़ती है तो रोजगार ख़त्म होते हैं और गृहिणियों पे सीधा सीधा उसका लाभ पड़ता है। कुल मिला के मोदी सरकार को अगर देखा जाए तो चाहे रोजगार का
जो फ्रंट है उस पर फेलियर है, दूसरी तरफ महंगाई रोकने का जो फ्रंट है उस पर फेलियर है। छतरपुर में रेत के अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की गई। शहर के बीचों बीच जवाहर रोड पर सड़क किनारे रेत से भरे दो दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली खनिज विभाग और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जब्त किए गए। यह ट्रैक्टर रोजाना इस जगह पर खड़े रहते थे जब जिले की सभी खदानों पर रेत का उत्खनन पूरी तरह बंद है, लेकिन यह ट्रैक्टर ट्रॉली रोजाना रेत भर के इसी जगह पर खड़े रहते थे। फिर भी कभी किसी जवाबदार अधिकारी ने इन पर कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब लोगों की शिकायत के बाद इस अवैध रेत के कारोबार पर प्रशासन ने एक्शन लिया। इन रेत से भरे ट्रैक्टरों के पास रेत के पिट पास तक नहीं थे। यहाँ पे ये ट्रैक्टरों की शिकायतें लगातार आ रही थी, तो ये अपने कोतवाली थाना प्रभारी मैडम से भी बात हुई थी, तो ये वो कार्रवाई हम लोग प्लान करते हैं जिससे ये जो बराबर हो रहे हैं हादसों की शिकायत आ रही है उसको रोका जाए। उसी तारतम्य सुबह थाना प्रभारी कोतवाली खनिज अधिकारी महोदय हमारे फ्रेंड निरीक्षक रमाकांत तिवारी हम लोगों ने एक टीम बना दी और छापामारी कार्रवाई की। रीवा जिले के जवाहर तहसील में स्थित टमस नदी में मशीन और नाव लगाकर रेत माफिया स्थानीय पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के नाक के नीचे से परिवहन करते आ रहे हैं। रेत के अवैध परिवहन की खबर दखल न्यूज चैनल पर प्रसारित हुई तो स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे और मजबूरन टमस नदी के किनारे नायब तहसीलदार भुवनेश्वर मरावी ने घाट पर जमकर कार्रवाई करने की जहमत उठाई और मौके पर से रेत से लदे चार ट्रकों को पकड़ लिया। अभी क्या मामला साल्विस नहीं हो पाया है क्या? जेसीबी वाले ये ट्रैक्टर वाले जो हैं ट्रैक्टर वाले कीचड़ फंसा रखे हैं, जानबूझ करके फंसाए हैं, और यदि मैं यहाँ से अभी चला जाऊँ तो एक सेकंड में ये निकाल के चले जाएंगे। ये लोग नाटक कर रहे हैं कि हमारे ट्रैक्टर आगे तक कार्रवाई न हो और थाने तक न जाए, इसके लिए जेसीबी बुलवाया हूँ। जेसीबी वाला भी ऑपरेटर यहाँ से भाग गया है। मैं सुपुर्दगी देना चाह रहा हूं मैं पुलिस वालों की कि यहीं ले लें सुपुर्दगी, लेकिन उनका कहना है कि जब तक थाने में नहीं आएगी तो हम सुपुर्दगी नहीं लेंगे। क्या है कि ये जो कार्रवाई करता हूं तो थाने में जा कार्रवाई तो होगी नहीं, ये स्पॉट में ही होगी, और स्पॉट में यदि सुपुर्दगी नहीं लेंगे तो मेरे छोटी सामान नहीं कि अपने जेब में लेकर के थाने में सुपुर्द करने जाऊं। लेकिन बगैर पुलिस बल के सहयोग बिना रेत से लदे ट्रैक्टरों को थाने तक नहीं ले जा सकते थे क्योंकि ट्रैक्टर ड्राइवरों ने जानबूझकर ट्रैक्टरों को नाले में फंसा दिया। इस संबंध में जब नायब तहसीलदार ने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी तो जवाब थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने सहयोग दे पाने में असमर्थता जाहिर की। यहां प्रशासन और रेत माफिया के बीच जमकर नौटंकी देखने को मिली। थखार के तहसीलदार ने जेसीबी बुलाकर नाले में करीब 5 घंटों से फंसे ट्रैक्टरों को निकालकर थाने ले जाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस मामले में जहां एक ओर रेत माफियाओं से नायब तहसीलदार अकेले मुकाबला करते रहे, वहीं दूसरी ओर जवाहर थाना पुलिस मूकदर्शक बनी रही। अनशन स्थल पर विधायक द्विवेदी ने आंदोलनकारी किरणों की मांग का समर्थन करते हुए उपस्थित समस्त किसानों से कहा कि हमारे अन्नदाता किसानों की पीड़ा को प्रदेश सरकार दरकिनार कर रही है। समझ नहीं आता कि प्रदेश के मुखिया कमलनाथ अपने खाने में अन्न खाते हैं या नहीं। हमारे अन्नदाता किसान रात दिन मेहनत करके अपनी जमीन से अन्न उगाते हैं और उसी उपज को बेचकर अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगर उपज की हुई धान बेच ही नहीं पाएंगे तो आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर पाएंगे। सबसे दुख की बात यह है कि जब रात के समय पूरी जनता शासन और प्रशासन गहरी नींद में सोता है उस समय कड़ाके की ठंड में किसान खेत में पानी लगा रहा होता है, तपती धूप में जलता है तो केवल किसान गरज तड़प के साथ हो रही बारिश में अपनी जान को जोखिम में डालकर खेती करता है तो केवल किसान। एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। मीडिया में अखबार में छपवा देते हैं, कैसे छपवाते हैं, इसलिए मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि ये कमलनाथ की सरकार किसान विरोधी सरकार है। मैं स्वाभिमान के साथ जीता हूँ, लेकिन वही स्वाभिमान मुझे यहाँ अनशन पर बैठने के लिए मजबूर किया, उसी पीड़ा ने मुझे अनशन में बैठने के लिए मजबूर किया कि जो पीड़ा मेरे परिवार को हो रही है इस धान के न बिकने से, इतने सारे किसान परिवारों को वो पीड़ा हो रही होगी और मैं मजबूर हो गया था अनशन बैठने के लिए। इसलिए मैं एक बार फिर साहस के साथ आप सबके संबल पर चाहता हूँ कि अगर 2 दिन का अवसर चाहती है प्रशासन तो 2 दिन मैं और गुजार लूंगा मेरे बच्चों के भाग्य से, मेरे बच्चों के भाग्य से मुझे भरोसा है कि मैं जिंदा रहूंगा, मुझे कुछ होगा नहीं।
किसानों ने कहा प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीति अन्नदाता की मेहनत को दुत्कार रही है और सौतेला व्यवहार कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धान खरीदी के संबंध में एसडीएम त्योथर एमपी बरार ने कहा कि कलेक्टर रीवा से बात हुई है तो कहा गया है कि किसानों की इस समस्या के निदान के लिए पहल की जाएगी। इसमें अभी मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है, उनको भी दुख है और भरपूर कोशिश अपने स्तर से वो लोग कर रहे हैं। मेरी भी बात होती है, माननीय विधायक की भी बात हुई, तो ये चर्चा राज्य शासन के पास में है। उनका अभी क्या निर्णय होगा ये तत्काल होगा, लेकिन सभी जितनी भी चर्चाएं हुई संविदना है ये सभी जो है मध्य प्रदेश शासन के पास जा चुकी है और हमारा प्रयास है कि इस केंद्र के साथ जो अन्य केंद्र खुलना चाहिए वो भी खुले। ये जो 20 तारीख के बाद 30-31 को जो खुला था पोर्टल, उसमें ये बात सही है कुछ किसान रह गए हैं, शेष हैं, और कुछ केंद्रों में जहाँ पर पोर्टल नहीं खुल पाया था वहाँ पर किसान अभी उनकी खरीदी शेष थी, जिसके बारे में जिला प्रशासन से लगातार राज्य शासन को अवगत कराया जा रहा है, प्रतिदिन चर्चाएं हो रही हैं और उस पर पूरी कोशिश करके उसको खुलवा के और खरीदी कराने का प्रयास जिला कलेक्टर साहब के द्वारा करा जा रहा है, एसडीएम के द्वारा पल पल की रिपोर्ट जा रही है। कल भी कलेक्टर साहब ने ये बात पर शाम को चर्चा की है वहाँ भोपाल में, और उम्मीद तो यही है कि ये गतिरोध दूर होगा और हमारे जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। सिंगरौली के मोरबा थाना क्षेत्र के ग्राम करेला की एक महिला के साथ छेड़खानी के मामले में पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए आरोपी युवक को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। ग्राम करेला निवासी एक 30 वर्षीय महिला बाजार से खरीदारी कर अपने पति के साथ वापस लौट रही थी, तभी उसी के गाँव के लाल कुमार प्रजापति ने उसके सामने अश्लील हरकते कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की। युवक की इस हरकत पर महिला ने शोर मचाया तो आरोपी युवक वहां से फरार हो गया। अपने साथ घटित इस घटना की जानकारी पीड़िता ने पति के साथ मोरवा थाने में दर्ज करवाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने मामला पंजीबद्ध कर आरोपी लाल कुमार प्रजापति को ग्राम करेला से गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर में जिला चिकित्सालय में ही चच्चा बच्चा दोनों का इलाज चल रहा था। एक अज्ञात महिला ने अस्पताल के अंदर प्रवेश किया और सभी को चकमा देते हुए बच्चे को लेकर गायब हो गई। 6 दिन के बच्चे के गायब होते ही जिला चिकित्सालय सहित जशपुर में हड़कंप मच गया। घटना के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं बच्चे को चुराने वाली महिला का व बच्चे के संदर्भ में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। सीसीटीवी फुटेज में एक महिला को बच्चे को ले जाते हुए देखा गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। मेरे संज्ञान में आया है कि 1:45 के आसपास की घटना है। एक महिला चंद्रमणि जो रायकोना सिटोंगा की रहने वाली थी, जो 2 तारीख को एडमिशन हुआ था इनका और 5 तारीख को उनका डिलीवरी हुआ था, तो ये 4 से 5 दिन का जो बच्चा है वो तो मेल लड़का है, मेल बच्चा है, उसको किसी अज्ञात महिला ने उनके रिश्तेदारों से ही छीन के ले गई है बेवकूफ़ बना के, तो वो सीसीटीवी में कैद हो गया है और पुलिस थाने में ऑफिशियली हम लोग इन्फॉर्म कर दिए हैं, तो पुलिस वाले भी उनको ढूंढ रहे हैं। टीकमगढ़ जिला जेल में कैदी की मौत से गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। कैदी वीरेंद्र को 2 महीने पहले बलात्कार के आरोप में जेल में बंद किया गया था। कैदी विचाराधीन था, जिसकी मौत ने जेल प्रशासन पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। हाल ही में इसी जेल से एक कैदी फरार हो गया था, इसके बावजूद जेल प्रशासन ने इससे कोई सीख नहीं ली। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे पर झूठा आरोप लगाया गया था, पीड़िता ने अपना बयान पलट लिया था और उनके बेटे की आज रिहाई होने वाली थी। वीरेंद्र को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जेल प्रशासन की लापरवाही के चलते उनके बेटे की जान चली गई। परिजन जब अधिकारियों के समझाने पर भी चक्का जाम नहीं छोड़े तो पुलिस ने फोर्स बुलाकर जाम हटवाया। इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच विवाद की स्थिति बनी रही। जो रात के काली सूचना दी गई मुझे, हम लोगों के द्वारा सीधे सभी वाहन के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और लेके जाया गया, मतलब जल्दी लेके जाया गया, उसके द्वारा प्राथमिक उसका जांच की गई, उसमें उसको मृत्यु कर दिया गया। जब हमारे घर पर
इन्हें से फोन किया तो मैंने फोन देखा तो बोले झूठो है कुछ नहीं। फिर मेरे दौरे में पुलिस पहुंची तो पुलिस ने ये बोला आप कौन हो, मैंने कि मैं उसकी माँ हूँ और मैं बोले उसको पापा है, मैंने कि हाँ जी है, तो उसको बुलाया तो उसको बुलाया तो उठा लगवा के बोलता और उसको दो चार दिन तीन दिन के लिए रिफाया करना इस मारे आए। वो थोड़ी टाइम में क्या खबर पहुंची कि वो तो खत्म हो। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को प्रस्तावित मेडिसिन बिल में शामिल करने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने संत नगर में मौन प्रदर्शन किया। प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स कर रहे छात्र हाथों में तख्ती लेकर कॉलेज परिसर में एकत्रित हुए। विद्यार्थियों ने प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार को योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को शामिल करने की मांग की। डायरेक्टर हीरो ज्ञानचंद दानी एवं प्राचार्य डॉक्टर हिमांशु शर्मा के अनुसार प्रस्तावित बिल में आयुर्वेदिक यूनानी आदि पद्धतियों को शामिल किया गया है, लेकिन योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को शामिल नहीं किया गया है। जबकि प्राकृतिक चिकित्सा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। मोटापा, शुगर, हड्डी रोग एवं चर्म रोग आदि में प्राकृतिक चिकित्सा काफी कारगर है। विदेशों में भी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा लोकप्रिय हो रही है। यह बिना दवाई और किसी भी दुष्प्रभाव से मुक्त सस्ती, सरल और सुलभ चिकित्सा पद्धति है। हम आज के दिन एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। एक आंदोलन भी है जो पूरे देश भर में करीबन 42 कॉलेजेस के द्वारा करीबन 10,000 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। 15 राज्यों में आज के दिन जो है सभी जगह पे एक शांतिपूर्वक आंदोलन, उपवास और मौन रखा गया है। कहीं सिर्फ एक ही कारण है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को जब नरेंद्र भाई मोदी जी आए 2014 में इतनी प्राथमिकता दी गई और आज इसी चीज को इस रेगुलेशन से जो नेशनल बिल ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है 2019 है इससे बाहर रखा गया। कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक कह सकते हैं कि आपने जो है रेगुलेशन लाने के लिए डॉक्टरों को एक चिकित्सा पद्धति को जो है पीछा रख रहे हैं, जो कि हमारे संस्कृति का भी भाग है। सर, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमारे नेचुरोपैथी और योगा जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको इंक्लूड किया जाए NSISM बिल में, और इसके लिए हमने यहाँ मौन उपवास और ये रखा है कि इसको इंक्लूड किया जाए। दखल प्राइड अवार्ड 2020 दखल न्यूज सम्मानित करता है उन हस्तियों को जो समाज में उदाहरण बने, जिन्होंने देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया। दखल प्राइड अवार्ड में विशिष्ट अतिथि होंगे TS सिंहदेव, मंत्री स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य अतिथि PC शर्मा, मंत्री जनसंपर्क मध्य प्रदेश शासन, विशेष अतिथि विजेंद्र सिंह राठौर, मंत्री वाणिज्य कर मध्य प्रदेश शासन। आप सादर आमंत्रित हैं राज्य संग्रहालय सभागार भोपाल, 16 फरवरी 2020 शाम 5:30 बजे। दखल प्राइड अवार्ड पावर्ड बाय दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, स्पॉन्सर्ड बाय मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, LNCT यूनिवर्सिटी भोपाल, चित्रांश बिल्डर, भारतीय जीवन बीमा निगम जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मधुराम ग्रुप, माइडास इंग्लिश एकेडमी, सिद्धांता रेड क्रॉस सुपर स्पेशलिटी भोपाल, ग्वालियर स्मार्ट सिटी। देख रहे हैं दखल न्यूज़।